इसकी फ्रंट साइज इस तरह से जो है वो बन जाता है। ये कलर होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। सो फाइनली घर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से बनाया मैंने, ये अभी छोटा बनाया है, वैसे इससे बड़ा भी हो सकता है, बट इसको इस तरीके से बनाया है। इस पर बाकी एक काम रह गया है, इसका कलर होना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं, हम घर में ही कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। हम एक छोटा सा घर टाइप बनाने वाले हैं और वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ बनाए थे, तो आज मुझे किसी ने कहा कि मुझे इस तरह का एक बना के दो, तो अभी जो है मैं एक बनाने वाला हूँ और ट्राई करते हैं कि जल्दी हो जाए। तो हमारे पास ये कुछ गत्ते थे, जो एक पेटी थी उसको मैंने काट कर ऐसे बना दिया और इसके पीसेस जो हैं वो अलग कर लिए हैं, जो काम के थे और जो नहीं थे उनको भी सेपरेट कर लिया और इनको एक ही डिज़ाइन में काट लिया है। अभी जो है फिर इसको डिफरेंट साइज से मैं काटूँगा और इसको फिर इसके ज़रिए हम चिपका के एक शेप देंगे, तो हम ट्राई करते हैं पहले इसको। तो फर्स्टली मैंने जो है वो एक इस तरह का एक गत्ता बना लिया है और इसके ऊपर जो है हम पूरा एक घर खड़ा करेंगे। तो पहले तो इसको मैं एक लाइनें लगा रहा हूँ ताकि वो ऊपर नीचे ना हो जाए, बिकॉज ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो उसको चिपकाने में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्टली इसको ट्राई कर रहा हूँ अभी। एक इस तरह का एक यहाँ पे आएगा। सो इस साइड से हम इसका फ्रंट बनाएंगे, यहाँ पे इसके दरवाजे की शेप बनाएंगे और ये एक विंडो यहाँ पे बनाएंगे इसकी। तो पहले पेंसिल से इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है इसको इसकी कटिंग करते हैं। तो ये वाली जो है यहाँ से जो कटिंग होती है ना, वो इसके ज़रिए आती है, इस तरीके से ज़रिए। ये इससे होती भी ईजी है एक तो, इस तरह से इसको दो साइड से काटते हैं। इसके बाद इसको एक पीछे की तरफ से इस साइड से यहाँ पे कट लगता है, जिसके बाद ये ऐसे घूम जाता है और यहाँ पे एक बन जाता है इसका दरवाज़ा ऐसे ये, और ये इसके उसके बाद होती है खिड़की यानी ये विंडो। तो विंडो को भी इसी तरह से पहले इसकी ये दोनों साइडें काटते हैं इस तरह। एक गत्ता थोड़ा सा पुराना था, इसकी वजह से ये बेंड हो जाता है इस तरह, और एक यहाँ से दरमियान ये, और इसका भी इसी तरह ही पीछे से यहाँ पे कट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे से कट ना हो, इतना हो कि ये ऊपर वाला जस्ट कट जाए। तो इसको इस तरह से करने के बाद ये इसकी विंडो बन जाती है इस तरह, और ये इसकी फ्रंट साइज इस तरह से जो है वो बन जाता है। ये कलर होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। इसको यहाँ जो है वो उस लाइन के ऊपर देख देख के लगा देना है इस तरह। इसका एक ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत देर के बाद चिपकता है, तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए इसके ऊपर कुछ वेट रखना पड़ता है कुछ देर के लिए। तो पहले इसकी ये साइड भी लगानी पड़ेगी, उसके बाद जो है इसके ऊपर वेट रखेंगे। अभी इसके ऊपर इसकी छत लगानी है, तो छत को भी हम चिपकाने के लिए यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर ग्लू इस तरह से, पूरा इसके ऊपर चारों तरफ से लगा देना है और इसके ऊपर दोबारा जो उसको फिक्स करेंगे। अब का फिक्स पोजीशन पे यहाँ पे जो है रख के इसको जोड़ के इस तरह से मिला के इसको ऐसे प्रेस कर देना है, और ये चिपकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, बिकॉज़ ये जो मैं मटेरियल इसको चिपकाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बहुत टाइम बाद खुश्क होता है। तो इसको खुश्क करने के लिए जो है कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम वज़न रख देंगे, इसको इसकी शेप के हिसाब से रख के,
और ये कुछ देर बाद जो है वो फिर अच्छे से चिपक जाएगा। सो ये जो है हम इसका नीचे वाला एक रूम जो है वो हमने बना लिया, तो जब तक ये सूखेगा इसके लिए हम यहाँ पे हमने इस जगह पे इसकी सीढ़ी लगानी है। सो इस तरह की एक और पट्टी लेनी है, एक ये वाली हो गई, इसको तो हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से फिक्स होनी चाहिए इधर। और दूसरी जो है हमने इससे बड़ी लेनी है थोड़ी सी, तो इसको जो है इस पर फिक्स करने की कोशिश करेंगे, अगर ये आ गई ठीक पड़ना है और लेनी पड़ेगी। तो इसके स्टेप के हिसाब से ना इसको फोल्ड करना है, पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना है एक ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ना, एक ज़िगज़ैग पैटर्न जो है इसका वो बनाते जाना है, इस तरह से को फोल्ड कर लेना है। जब ये ऐसे खुलेगी तो ये इस तरह से बन जाएगी, इसके बाद आपको इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, तो ऐसे जो है ये तैयार हो जानी है। इस तरह से आपने फिर उसको रख देना है। अभी ये उसके साइज़ के हिसाब से हमने बड़ी इस वजह से रखी थी क्योंकि फोल्ड होने के बाद ना इसके साइज़ के हिसाब से बन जाती है, तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। सो अब जो है हम एक और चीज़ बनाने वाले हैं, इसको मैं उसके ऊपर ही लगाऊंगा, तो इसके लिए इस तरह से एक पट्टी तैयार करनी है, इसके ऊपर जो स्किन थी वो उतार लेनी है। और इसके अब जो है इससे जो है मच इसकी जो ये तीलियाँ हैं इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे इससे। इसको वैसे इसके अंदर भी ऐसे चिपका सकते हैं इस तरह से, ये भी बहुत अच्छी लगती है, बट हम इससे कुछ और तरीके से करेंगे। सो इस तरह से एक जो है हमने डिज़ाइन बनाना है, ये इसके अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो माचिस की तीलियाँ खड़ी कर दी हैं। इसका कलर कुछ और होता, ब्लू कलर में होती ना तो ज़्यादा प्यारी लगती। खैर ये बनाई है, अब इसको जो है इसके ऊपर लगाएंगे और एक जग चीज़ बनाएंगे। सो इसको जो है मैंने इस तरह से एक राउंड राउंड बना लिया, इसको फिर इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, और इसको चिपकाने के बाद फिर इसको इसके ऊपर लगाऊंगा, जहाँ भी देखूंगा अच्छा लगा उस जगह पे इसको फिट कर देंगे। ये सीढ़ियाँ यहाँ लगानी है मैंने, और ये छोटा सा और घर बना है ये, इसके ऊपर यहाँ लगाऊंगा, और बाकी जो है इसकी डेकोरेशन बाद में करेंगे, पहले इनको लगा दूंगा ताकि ये अच्छे से जो है वो चिपक जाए। तो ये जो है हमने इसकी बाउंड्री जो है वो बनाई है, जो हम इसको साइड पर यहाँ पर लगाएँगे, यहाँ पर लगाएँगे उस साइड पर, और इसके ऊपर यहाँ पर भी लगाएँगे। हाँ तो ये बनानी है हमने, नीचे वाली तो बना ली है, बाकी ऊपर वाली अभी इसको चिपका देंगे और इसके बाद ऊपर बनाएंगे। सो फाइनली घर जो है वो हमारा तैयार हो गया है, इस तरह से बनाया मैंने, ये अभी छोटा बनाया है, वैसे इससे बड़ा भी हो सकता है, बट इसको इस तरीके से बनाया है। इस पर बाकी एक काम रह गया है, इसका कलर होना, अभी ये थोड़ा खुश्क हो रहा है इस वजह से मैंने इसको कलर नहीं किया, बिकॉज़ अगर यहाँ पर ब्रश लगाऊँगा तो ये साइडें जो है इसकी गिर जाएंगी, तो ये अभी इस तरह से लग रहा है देखने में, लेकिन कलर करने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको कलर जो है वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, बट अभी जो है वो इस तरह से ही तैयार हो चुका है।